ओके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन सिल्क ए टू जेड। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो रोलिंग मशीन है यानी रीलिंग मशीन जो आपका फैक्ट्री में आपका जो धागा निकाला जाता है उसमें कौन सा आपका मुश्किल का सामना करना पड़ता है, चीज़ों को आपका बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, वही आपको बताएंगे। दोस्तों जब आपका पानी गर्म हो जाता है तो वो पानी बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है, यानी जिस तरह से आपका दही जमाने के लिए आपका पहले वाला दही का पानी आपका डालना पड़ता है जाता है, वो पानी आपका नया पानी तो होता है लेकिन उसमें पुराना पानी भी मिलाया जाता है। उसके बाद फिर कोकून्स को जब वो पानी गर्म हो जाता है तो कोकून्स को उस पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका उसको अच्छा से बॉईल किया जाता है क्योंकि कोकून्स में जो आपका एक्स्ट्रा आपका चिपचिपापन है फाइबर टाइप का एक चीज़ होता है उसको पूरा निकालना पड़ता है। जब वो निकल जाता है तो वहाँ से आपका एक एक रेशा यानी धागा का जो आपका एक एक आपका जो रेशा है वो आपका बाहर निकल आ जाता है। उसके बाद फिर उसको अलग से पकड़ लिया जाता है और फिर एक पुली होता है उसके अंदर से डाल के आपका फिर वो रोलिंग में आपका लपेट दिया जाता है। अगर ये तो आपका इलेक्ट्रिक से चलता है, अगर बाई चांस अगर इलेक्ट्रिक आपका ना हो तो फिर आपको जनरेटर से आपको चलाना होगा। तो जब यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं लाइन आपका चला गया है तो लाइन चला जाने के बाद आप तो कोकोन्स को पानी में इस तरह से रख नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा देर रखने से आपका वो गल जाएगा। तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए आपको फिर जनरेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यही आपको जनरेटर हम दिखा रहे हैं कि जनरेटर को फिर किस तरह से आपका चालू किया जाता है। जनरेटर चालू हो गया है फिर वो मशीन भी आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी तरीके से आपका धागा निकाल लिया जाता है। ये धागा निकालते निकालते आपका जब पूरा क्लियर हो जाता है यानी जो रेशम के कोकून से इसका हर वो चीज़ आता है यानी जब आपका क्लियर होता है तो क्लियर आपका पत्ता करता है और जो आपका लकड़ी बन जाता है वो जलाने के लिए है। इस तरह से जो आपका खाके जो आपका वो बॉडी करते हैं वो बॉडी भी आपका जमीन के लिए है यानी आपका उन पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आपका काम करता है। फिर आपका जो कीड़ा आपका घर बना लेते हैं, घर बनाने के बाद जैसे चाइना लोग तो वो जो आपका घर बनाने के बाद जो आपका लार्वा होता है उसको कुछ खाते हैं तल के, या फिर हमारे यहाँ पर जो होते हैं उसको क्या करते हैं जब मछलियों को खिला दिया जाता है यानी जिन लोग मछली पालते हैं वो लोग आके आपका यही जो लार्वा होता है उसको लेके चले जाते हैं फिर वो तालाब में डाल देते हैं बहुत मछलियाँ शौक से खाते हैं। दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।